गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में पास और फेल का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। जी हाँ, हम लोग आज एमएस एक्सेल में पास और फेल के फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे, कैसे लगाते हैं पास और फेल का फॉर्मूला, जिससे हम लोग का काम बहुत ही आसान होगा। और इसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे टोटल भी निकालना, परसेंटेज भी निकालना, ग्रेड निकालना, और आपको रिमार्क्स भी शो करेगा। तो ये सारे चीज ऑटोमेटिकली होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए सीखते हैं कि एमएस एक्सेल में पास और फेल का फॉर्मूला कैसे लगाए जाते हैं। तो बिना समय को नष्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं ये फॉर्मूला कैसे लगाए। सो लेट्स, जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट रिजल्ट तैयार है और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, यहाँ फुल मार्क्स दिया गया है और यहाँ मार्क्स ऑब्टेंड है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको फुल मार्क्स का टोटल आया है, यहाँ पर भी आपको मार्क्स ऑब्टेंड में यहाँ पर भी टोटल आ चुका है। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज दिखा रहा है और साथ में आपको यहाँ पर ग्रेड भी दिखा रहा है और ग्रेड के साथ साथ रिमार्क भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और ये जो टोटल वर्क है ये पूरे ऑटोमेटिकली होंगे और इसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है, कुछ फॉर्मूला आपको लगाना है। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं कि इसमें पास और फेल शो कराने के लिए और रिमार्क्स को शो करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से जितना भी फॉर्मूला है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए इसको डिलीट कर दिया हम लोगों ने, इसमें भी इसको भी हम लोग डिलीट कर दिए। अब जो है हम लोग यहाँ से टोटल को भी हटा देते हैं और यहाँ से भी हम लोग इसका टोटल को हटा देते हैं और यहाँ से परसेंटेज को भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो टोटल हम लोगों के पास यहाँ पर डिलीट हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें से टोटल निकाल के आ जाए और यहाँ पर परसेंटेज भी आपका शो हो जाए, ग्रेड भी आपको यहाँ पर मिल जाए और रिमार्क भी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या इसके फॉर्मूला है, इसके लिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फुल मार्क्स का जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 5 सब्जेक्ट दिया गया है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस है। तो सबसे पहले सबका मार्क्स फुल मार्क्स 100 करके है तो टोटल मार्क्स कितने होंगे हम लोगों को निकालना है। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, या तो आप यहाँ पर इक्वल टू दे के आप टाइप कर सकते हैं, सम ब्रैकेट को ऑन कर दीजिए और यहाँ फर्स्ट वन को चूज कर लीजिए और यहाँ पर कॉलन लगाइए और इसको आपको मिटा देना है और यहाँ से आपको लास्ट वन को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको ब्रैकेट को ऑफ कर देना है और देन इंटर बटन प्रेस कर देना है। देखिए आ गया है। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है तो इससे भी बहुत आसान तरीका है, मैंने पिछले वीडियो में भी जहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाया हूँ वहाँ पर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं वो बता दिया है। तो देखिए आपको सिंपल सा प्रेस करना है कीबोर्ड में अल्ट के साथ इक्वल टू का सिंबल, जैसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, पहले अपने जगह पर रख लीजिए और देन अल्ट के साथ इक्वल बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने देखिए ये ऑटोमेटिक जो फॉर्मूला हम लोग अभी मैनुअली टाइप किए वही फॉर्मूला देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होने लगेंगे और बस आप लोगों को करना है एंटर बटन में प्रेस। जैसे हम लोग इंटर बटन में प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 500 ऑटोमेटिकली आ चुका है। सेम उसी तरह जैसे मार्क ऑब्टेंड हम लोगों को मान लीजिए इसमें 78 मार्क्स मिले हैं, हिंदी में 54, मैथ में 94 मिला है, साइंस में 64 मार्क्स मिले हैं और सोशल साइंस में 86 मार्क्स मिले हैं। तो इन सब का भी हम लोगों को टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए सेम एज इट इज़ फॉर्मूला लगाएंगे, अल्ट के साथ इक्वल टू का सिम्बॉल लगा देंगे। तो चलिए अल्ट के साथ हम इक्वल प्रेस करते हैं तो देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया है, देन आपको प्रेस करना है एंटर बटन। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज आ जाएंगे।
यहाँ पर बात क्या होता है, देखिए कि अगर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला सेट कर दिया है तो आप अगर चाहेंगे किसी भी वैल्यू को चेंज करने के लिए तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएंगे और इसके साथ साथ इसका टोटल भी आपका चेंज हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जरूर इसको कर देता हूँ 75 मार्क्स। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 397 को ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर कम करना चाहता हूँ, मान लीजिए 64 है, मैं इसको 34 कर देना चाहता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल में भी माइनस हो गया है। तो चलिए इसको बढ़ा देते हैं, तो देखिए देखिए बढ़ गया है। तो इसी तरह से आप जैसे जैसे यहाँ पर चेंजिंग करेंगे तो आपका टोटल में भी वो चेंजिंग शो होने लगेंगे। तो अब हम लोगों को ये तो हम लोग सीख गए कि टोटल हम लोग इसमें कैसे लगाएंगे, अब हम लोग आते हैं परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को लगाना है इक्वल। एक चीज़ आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा कि ये सब जितना भी फॉर्मूला हम लोग टाइप कर रहे हैं उसको हम लोग को लिखा जा रहा है इसमें, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार में ही हम लोगों का टाइपिंग जो भी हम जहाँ भी हम लोग जिस सेल में कर रहे हैं वो दिखाएगा आपको फॉर्मूला बार में। तो आपको सबसे पहले लगाना है इक्वल टू साइन। तो देखिए कोई भी फॉर्मूला लिखने के पहले आप लोगों को इक्वल टू का साइन हमेशा आपको लगाना है। अगर आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है और देन आपको वैल्यूज को चूज करना है। टोटल वैल्यू हम लोग का क्या है 401। देन आपको करना है इनटू का सिंबल लगाना है, एस्ट्रिक्स लगा देना है। देन आपको 100 यहाँ पर लिख देना है और देन डिवाइड का सिंबल लगाना है और आपको 500 के साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे 500, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सिंपल सा इस पर करना है इंटर बटन को प्रेस। जैसे आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज शो होने लगेगा और परसेंटेज शो हो गया। तो अब हम लोग को चाहिए ग्रेड निकालना। अब देखिए परसेंटेज जो है इसमें किसी भी वैल्यू को अगर हम लोग चेंजिंग भी करते हैं, चलिए मान लीजिए इसमें हम लोग 875 की जगह 57 कर देते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक टोटल भी चेंज हो गया और इसके साथ साथ इसका परसेंटेज का जो वैल्यू है वो भी चेंजिंग हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं इसका ग्रेड निकालने के लिए, तो चलिए ग्रेड हम लोग निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को सेट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का सिंबल देंगे और यहाँ पर लगा देंगे इफ, और इफ के बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करके हम लोग परसेंटेज का सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसका सेल क्या है C9। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेल एड्रेस बता देगा। देन आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, इक्वल लगाना है, देन 60 कोमा लगाएंगे और देन यहाँ पर लिख देंगे पास। फिर हम लोग यहाँ पर कोमा लगाएंगे, अगर 60 से अबोव हुआ या 60 हुआ तो आपको पास शो करेगा, अदरवाइज आपको शो कर देगा फेल। देन एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर पास का सिंबल आ गया है, पास हो गया है, 76.6 है तो इसलिए पास दिखा रहा है। जैसे हम लोग वैल्यू को कम कर देंगे, मान लीजिए 25 कर दिए और इसको भी हम लोग 21 कर दिए और इसको भी जो है हम लोग वैल्यू को 15 कर दिए, देखिए ये क्या शो कर रहा है, अभी फेल शो कर रहा है। अब फिर हम लोग बढ़ा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 91 कर दिए तो देखिए यहाँ पर पास हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करेंगे। और यहाँ पर अगर मान लीजिए रिमार्क देना है तो रिमार्क कुछ ऐसे दे देते हैं, इफ यहाँ भी हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर रिमार्क देना चाहते हैं कि अगर परसेंटेज जो है वो आपका 60% से अबोव है तो आपका जो है वेरी गुड दिखाएगा, अदरवाइज आपको यहां पर शो कर देगा वेरी बैड। यहां पर क्लोज करके हम लोग ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, देन यहां पर हम लोग इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे देखिए यहां पर पास के साथ साथ वेरी गुड भी शो हो रहा है। तो इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं देता होगा, या तो हम इसको वाइट कर देते हैं, अब जरूर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसका इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखिए अब शो हो रहा है, वेरी गुड शो हो रहा है, क्योंकि पास में वेरी गुड शो हो रहा है। और यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लोग वैल्यू को चेंज कर देते हैं 21, यहाँ पर मान लीजिए 13 कर देते हैं, तो देखिए फेल हो गया और फेल के साथ साथ रिमार्क भी आ गया वेरी बैड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में भी आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।